राष्ट्रीय खेल घोटाले में आरोपी आरके आनंद को नहीं मिली जमानत। झारखंड के पूर्व सीएम के राजनीतिक सलाहकार पर यौन शोषण का आरोप, केस दर्ज। लव जिहाद कानून के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर प्रियंका, उगाही योजना फल फूल रही। सुप्रीम कोर्ट के जज नवीन सिन्हा हुए रिटायर, दिया गया फेयरवेल। आरआईएमसी और सेनेट स्कूल में लड़कियों को नहीं मिल रहा दाखिला, एससी में सुनवाई शुरू। अनिल देशमुख के खिलाफ जारी रहेगी सीबीआई जांच, एसटी ने खारिज की याचिका। पेट्रोलियम कंपनी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया। सुरंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर को कोर्ट ने किया बरी। पंद्रह में हुए सीमा बोरा मर्डर की जांच सीबीआई ने पूरी की। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी तालिबान के कब्जे में। यूपी सरकार ने पेश किया 7,30,001.52 करोड़ रुपए का बजट। आज दोपहर 2:30 बजे आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, रंजीत सिंह हत्या मामले में 24 अगस्त सीबीआई कोर्ट दे सकता है फैसला।
तालिबान का समर्थन करने वाले सपा सांसद सफीकुल हमान पर्ग पर केस दर्ज। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करेंगे तालिबान से बातचीत, अगली सरकार पर चर्चा संभव। खराब तबीयत की वजह से नीरज चोपड़ा ने बीच में ही छोड़ा स्वागत समारोह। सेंसेक्स पहली बार 56,000 के पार पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति को कॉलेजियम की मंजूरी, इनमें 3 महिला जज भी शामिल। प्रधानमंत्री आवास पर आज भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक।